नमस्कार साथियों, स्वागत है ऐसे थप्पड़ के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश के अमेठी की सीट को लेकर के काफी चर्चाएं हैं और अमेठी के सीट से निवर्तमान सांसद स्मृति ईरानी, उनकी आवाज को अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा इस भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर इतना ज्यादा घमंड, संभवतः 11 बार चुनाव जीतने के बावजूद इसके थोड़े मात्र भी घमंड भी कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता को नहीं आया होगा। लेकिन कोई पहला चुनाव जीतकर कई चुनावी हार मिलने के बाद चुनाव जीते और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बने हुए देश में माहौल जो था उसमें जीत करके आए। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आंधी थी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के संरक्षण में, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी के सामने बीजेपी के सांसदों की जो है 2019 में एक बहुत बड़ी जमात आ पड़ी थी। उसी जमात के भीतर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराकर अमेठी में आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक बार चुनाव जीतने वाले सांसद का दम और पांच चुनाव जीतने वाले, पांच बार संसद पहुंच चुके राहुल गांधी का, कि उनकी विनम्रता दोनों को अगर देखे तो समझ आ जाएगा कि लोकतंत्र को दम के सहारे, लोग भारत के लोकतंत्र को ठाहस के सहारे जो चलाने की कवायद है, 13 रुपए किलो चीनी का वादा, वो ठाहस पूरा नहीं किया जो वादा स्मृति ईरानी कर रहे थे। तमाम सारी बातें स्मृति ईरानी करती रही, लेकिन स्मृति ईरानी क्या इस बार अमेठी की सीट पर आसान विजय की तरफ हैं? अमेठी के सीट के ऊपर संभावना इस बात की जताई जा रही है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय में ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करना हो तो उनकी जगह कोई और आए। मुद्दा ऐसा नहीं कि अमेठी की सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़े या फिर कोई और लड़े, सवाल यह है कि कांग्रेस का कोई और कार्यकर्ता लड़, कोई भी हो, लेकिन अमेठी के सीट पर एक चुनावी जीत के बाद जिस प्रकार की कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज सदन से लेकर के सड़क तक, और स्मृति ईरानी ने दिखाई है उस बॉडी लैंग्वेज के पीछे का, उसके पीछे का जो एक जज्बा होता है ना, उस जज्बे दो तीन बातों को समझने का प्रयास करें तो कई सारी चीजें उससे साफ निकलती है। 2004 का वो दौर था, फील गुड और इंडिया साइनिंग का नारा देश में दिया जा रहा था और दिल्ली के भीतर चांदनी चौक के सीट पर कपिल सिंबल के सामने सास भी कभी बहु सीरियल के नायिका, उस सीरियल में तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी मौजूद थी। काफी बुरी तरीके से चुनाव हारी, दिल्ली में हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करती रही, 20 रुपए 40 रुपए कभी सिलेंडर का दाम बढ़ जाता था, 300 से 350 हो जाए तो स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा करके प्रदर्शन करने सड़क पे उतर जाती थी। आज सिलेंडर का दाम 1100 से पार कब का जा चुका है, स्मृति ईरानी का दर्शन किसी ने सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते हुए सड़क पे नहीं देखा हो, अगर कोई ऐसा देखा हो तो हमें भी बताएं। नरेंद्र मोदी की सरकार, स्मृति ईरानी जो मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में, अगर 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर जब हो गया गैस सिलेंडर तब कोई प्रदर्शन किया हो तो बताएं। फ्लाइंग किस किसने दिया, इसको लेकर के स्मृति ईरानी सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा करने की स्थिति में उतर जाती है। क्या यह भारत देश किसी फ्लाइंग किस से आगे बढ़ता है? क्या यह देश किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हरकत से चलता है जिसमें सदन के भीतर चलना, चिल्लाना और मंत्रालय के कामकाज के मुद्दे पर कोई रिपोर्टर अगर कोई सवाल कर दे तो उसके संपादक के नाम की धमकी लेकर के, मतलब उसको धमकी दे देना, यही एक सांसद का काम बचा है क्या? क्या जिस संपादक या जिस भी जिसका भी नाम लेकर के धमकी दी, क्या इस बात की इशारा नहीं करते कि वो बिका हुआ है या फिर उस रिपोर्टर को ही निकाल दिया था? अब ये इस बात को कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्मृति ईरानी ने नाम लेकर के धमकी दिया था ये पूरा देश देखा, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो एक मीडिया को धमकी देने के लिए स्मृति ईरानी जा सकते हैं उसी नेवा के पर्दों पर। हमेशा सास बहु के सीरियल में लोगों को रुलाने वाले स्मृति ईरानी क्या 5 साल से अमेठी की जनता को भी रुला रही है, जिस वजह से उनको मीडिया और संवाददाताओं को धमकी देने की नौबतें आ जाती है। दरअसल राजनीति में, राजनीतिक तौर पे जो लोग नहीं आते, जो राजनीतिक में जो आंदोलन के जरिए, सियासत के तौर तरीके के जरिए जो लोग नहीं आते और जिनको बिना कुछ संघर्ष किए हुए बहुत कुछ राजनीति में मिल जाती है, वो इसी तरह की हरकतें उनसे स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है, कई लोग मिलेंगे। स्मृति ईरानी कोई अकेली नहीं है, अकेले उन्हें ही दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के भीतर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमेठी के बारे में स्मृति ईरानी ने कहा था कि लोग हार के बाद
छत छोड़कर भाग जाते हैं। दरअसल चांदनी चौक में चुनावी हार के बाद क्षेत्र छोड़कर के कौन भागा था स्मृति ईरानी जी? आपको ध्यान होगा, इस भारत देश की आम जनता सवाल करना चाहती है आपसे कि दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट पर 2004 के भीतर हारने के बाद आज 20 साल करीब हो गए, चांदनी चौक लोकसभा सीट की शुद्ध आपने क्यों नहीं लिया? दरअसल बात यह है कि स्मृति ईरानी के साथ नैरेटिव गढ़ने की जो बातें होती है और जिस वजह से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है कि अमेठी के सीट के ऊपर राहुल गांधी को हराना उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, वो एक परिस्थिति बनी जिसमें राहुल गांधी हारे। वो दरअसल स्मृति ईरानी का चुनाव लड़ने की जो जिद होती है, उनकी इच्छा होती है, प्रधानमंत्री की फिलकुट में उसका नाम था, इस वजह से अमेठी की सीट उनको दी गई थी। भला हारने के लिए कौन चुनाव लड़ना चाहता है? कोई भी नहीं लड़ना चाहता है, हारने के लिए चुनाव लड़ रहा है। अधिकांश लोग जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस नेता को भरोसा हो कि हारने के बाद भी, 10वीं 12वीं पास होने के बाद भी इस देश के शिक्षा जैसे महकमा व एजुकेशन की मिनिस्ट्री चलाने का जिम्मा अगर मिल सकता हो और ये भरोसा, तो फिर कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। स्मृति ईरानी अमेठी क्यों, किशनगंज, श्रीनगर, आरा, कहीं जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं, वो कहीं अमृतसर भी जा सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हारने के लिए। लेकिन हारने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने दो लोगों को मंत्री बनाया था, एक जाने माने वकील अरुण जेटली को 2014 में जो अमृतसर हार के आए थे, दूसरी स्मृति ईरानी जो अमेठी हार करके आई थी, अगली बार वो जीत गई। क्या आप वह उसी जीत की गुंजाइश है उसी तरीके की? स्थानीय लोगों से अगर वहाँ के समझे तो इस बात के ऊपर चर्चा नहीं है उत्तर प्रदेश के अमेठी में कि स्मृति ईरानी जीतेगी, बल्कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि स्मृति ईरानी की चुनावी हार का अंतर कितना हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, वही इंडिया में सबसे ज्यादा या फिर 3 लाख 4 लाख के आसपास समझेगा, ये इसको लेकर के उत्तर प्रदेश कमेटी के लोग के भीतर का चर्चा है। राहुल गांधी गांधी परिवार या अमेठी से अलग नहीं हो सकता। अमेठी की सीट पर तो कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव लड़ा करके कांग्रेस पार्टी ने जिताया। अमेठी की सीट पर संजय गांधी जीते, अमेठी की सीट पर ही 4 बार राजीव गांधी जीते, और अमेठी की ही सीट पर सोनिया गांधी भी जीती और राहुल गांधी भी जीते। 3 बार राहुल गांधी जीत चुके हैं, चौथी बार सांसद, पांचवी बार सांसद बनने की होड़ में 2024 में, और पांचवी बार वायनाड से वो जीत जाएंगे, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं हो सकता। लेकिन वही राहुल गांधी अगर अमेठी आते हैं उत्तर प्रदेश, तो स्मृति ईरानी की जो अट्ठाहस है, स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अमेठी के लोगों को, अमेठी की आम जनता के सामने अपनी छवि गढ़ी है, उस छवि का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अब बॉलीवुड सिनेमा के पर्दों पर एक्टिंग कर देना, राजनीति के मैदान में सुल्तानपुर का पुराना जिला और अब अमेठी के नाम से जिला भी, उस जिले के भीतर जाकर के उसकी आसपास के इलाकों के भीतर आम जनताओं के बीच जनसेवा के माध्यम से छवि गढ़ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दौर हुआ करता था जब इस भारत देश के भीतर लोग अपने संसदीय क्षेत्र के लोग संसदीय क्षेत्र की तुलना अमेठी से किया करते थे, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई नेता हो और वो अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव अगर लड़ता था तो यही कहा करता कि अमेठी के भीतर जितना काम हुआ उतना काम करेंगे, क्योंकि वो दौर राजीव गांधी का हुआ करता था, वो दौर सोनिया गांधी का दौर था, वो दौर और आज का दौर, आज स्मृति ईरानी का दौर है। आज लोग वाराणसी का नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ये किसी सांसद ने काम कराया, लोग शरद पवार, सुप्रिया सुनीत की इलाका का लोग नाम लेते हैं कि अपने क्षेत्र को बारामती जैसा बनाए। स्मृति ईरानी ने अमेठी से वो तमगा छीन लिया है, वो स्टेटस छीन लिया है, जहां अमेठी जो है कई बार अमेठी का विकास दूसरों के लिए चर्चा का विषय हुआ करता था। केवल बात इतना ही भर नहीं है कि स्मृति ईरानी अमेठी में अलोकप्रिय होने के कगार पे या फिर काफी हद तक अलोकप्रिय हो चुके हैं, बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बात दरअसल इससे आगे की होती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो जिस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हिंदुत्व का सबसे बड़ा नायक और चुनावी हिंदुत्व का सबसे बड़ा नायक कौन, क्या राजनीति गांधीनगर से चलेगी या राजनीति गोरखपुर से चलेगी, ये झगड़ा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। इसी झगड़े के भीतर स्मृति ईरानी अगर इसमें पिस जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। राहुल गांधी से योगी आदित्यनाथ को क्या दिक्कत हो सकती है, सबको पता है राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी कैंप के मानी जाती है, तो ध्यान दीजिए,
सिराथू का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 250 पार कर रही थी, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार रहे थे। इसके पीछे कारण क्या था? नरेंद्र मोदी जी अमित शाह से नजदीकी, बढ़ना उप मुख्यमंत्री, चुनाव हार जाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ जिस समाज से आते, उस समाज के वोटर चाहे जितनी कम संख्या में हो, उन्होंने सिराथू की सीट पर केशव मौर्य को हराने में अपनी भूमिका निभाई थी। पिछले वर्गों ने भी भूमिका निभाया था। और अब स्मृति ईरानी और जो काम करे उनके बारे में जो कई सारी चर्चाएं जो होती है, चर्चा यहाँ तक होती है कि स्मृति ईरानी को 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश में उनको कुछ कमान सौंपी जा सकते हैं। क्या इस चर्चा को जो भीतर भीतर बातें चलती है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, जो कार्यकर्ता के बीच ये बात चलती है, वही पत्रकारों के बीच भी खुल करके आती है? क्या योगी आदित्यनाथ उस स्थिति को स्वीकार कर लेंगे? एक तरफ अमेठी का सेंटीमेंट, जिस प्रकार से सोनिया गांधी से वो संसद में बहस कर रहे थे, उसको लेकर के अमेठी के भीतर एक भावनात्मक उबाल की स्थिति को देखा गया, महसूस किया गया आम वोटर्स के बीच। दूसरी ओर जो गांधी परिवार पर लगातार हमलावर होना, वही तीसरी बात जो राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बना करके वहां राजनीति करने का कोशिश करना, और अगली बात योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, इसको लेकर के विचार विमर्श का दौर कार्यकर्ताओं से लेकर के मीडिया के एक बड़े से खेमा तक चल रही है। सारी परिस्थितियां जो स्मृति ईरानी को संसद पहुंचने का रास्ता जो है योगी आदित्यनाथ की टीम क्या अपनाती हुई दिखेगी, उस रास्ते पर चलती हुई दिखेगी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगली बात एक और जुड़ती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो जाना, दूसरा क्षेत्र के बीच अलोकप्रिय हो जाना, तीसरी योगी आदित्यनाथ के इक्वेशन फिट नहीं होना स्मृति ईरानी का। वहीं अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मृति ईरानी के साथ जो है अमेठी की आम जनता के तारतम्य अगर नहीं जुड़ा, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS स्मृति ईरानी को इसके एक बार फिर वहां पे स्मृति ईरानी को ढोने के लिए तैयार है? संघ के सामने भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि नरेंद्र मोदी अगर भाजपा को बचाए बिना संघ नहीं बचेगा। संघ तो आधा मटिया मिट हो चुका है, ये हर कोई को पता है। संघ का विस्तार ऊपर से जो दिख रहा है दरअसल एक कहते हैं ना बबल सा है, एक गुब्बारा है, और इस गुब्बारे के नीचे जो वैचारिक धरातल वो कब का फट चुका है, बस उसके भीतर जो है थोड़ी देर की कमी है कि जैसे ही एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी हो गई देश में, तो बचा कुचा संघ भी नहीं दिखेगा। जब संघ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने में खुद को पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या वही RSS स्मृति ईरानी को अमेठी के भीतर चुनाव जीतने के लिए मदद करेगा? ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जिसके आसपास अमेठी की आम जनता, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह स्मृति ईरानी के चुनावी जीत के ऊपर शायद बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनके ध्यान देने से अमेठी का मामला नहीं सुलझ सकता। अमेठी का मामला जो है दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने की जो जिम्मेदारी जो स्मृति ईरानी को जो थी, वो क्षेत्र के भीतर लोग उनसे तुलना कर रहे हैं कि कितना दुरुस्त हुआ है, कितनी काम गांधी परिवार के सांसदों ने किया, कितना काम स्मृति ईरानी ने किया, ये सब लोग जानना चाहते हैं। जगदीशपुर के भीतर एक प्लांट जो लगा था, गैस पाइपलाइन जो बिछी थी, वो गांधी परिवार की देन थी, स्मृति ईरानी तब कहीं भी नहीं थी। किताबों में पढ़ाई जाती है स्मृति ईरानी के क्षेत्र में, स्मृति ईरानी के आने के पहले गांव गांव तक अधिकांश घरों के भीतर गैस सिलेंडर पहुंचा हुआ था उस दौर में, जिस दौर में गैस सिलेंडर जो है LPG का सिलेंडर जो है किसी किसी के घर में हुआ करता था। तब उस क्षेत्र की जनता, राजनारायण को भी रायबरेली की जनता ने जिताया था एक बार, नवीन प्रताप सिंह के भी संजय गांधी को हरवा दिया था। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि अमेठी की आम जनता कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ देगी। गांधी परिवार का नाता स्मृति ईरानी जहां से सांसद है अमेठी से, वो पहली बार कब जुड़ता है? जब संजय गांधी चुनाव लड़े थे 77 के चुनाव, 80 में संजय गांधी जीत जाते हैं, उनके देहांत के उपरांत 4 चुनाव जीते राजीव गांधी, 4 चुनाव, फिर बाय इलेक्शन में सतीश शर्मा एक बार जीते थे, कई बार सतीश शर्मा जीते, और फिर जाकर के एक बार 98 का चुनाव सीताराम केसरी के जमाने में जो है अमेठी के सीट के ऊपर
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संजय सिंह वहां पर चुनाव जीत गए थे।